डोडा आतंकी हमला 15 जवानों के एक गश्ती दल पर हुआ हमला था। ये दल आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इसमें सेना के कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हो गए। ये आधुनिकतम बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन उनका चेहरा खुला हुआ था। आतंकियों ने इसे ही निशाना बनाया। पाकिस्तान से आए आतंकी हाईटेक तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। बातचीत के लिए चीनी सैटेलाइट का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमले को लाइव दिखाने के लिए बॉडी कैम भी लगा रखा है। कठुआ में सेना की गाड़ी पर हुए हमले में इसका इस्तेमाल सामने आया था। जम्मू का इलाका नदियों वाला है और पाकिस्तान सीमा पर कई नाले हैं जो मानसून में उफान पर रहते हैं। इस रास्ते में आतंकियों को घुसपैठ करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। इसके अलावा जम्मू संभाग में पहाड़ ऐसे इलाके उपलब्ध कराते हैं जहाँ छिपने के कई स्थान है और वहाँ ड्रोन संचालित करने की भी बेहद कम संभावना रहती है। वही साथ ही आगे आपको बता दें, डेसा के जंगली और पहाड़ी इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ VDG ने सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। 16 जुलाई को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे, जिसके बाद VDG ने भी मोर्चा संभाला है। डेसा इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अपने अभियान के दौरान ग्राम सुरक्षा समूह ने अपने हथियारों को लेकर खास अपील की है। 3 आतंकवादी इधर हमारे एरिया में घुसे हैं, तो कल से ये एनकाउंटर लगा है, इसीलिए ये कॉर्डन लगाया है। हम कल से यानी कि 24 घंटे हो गए हमको इधर, मतलब कॉर्डन में 24 घंटे हो गए। अभी फोर्सेस भी चढ़ रही है, पहले उनको हमारे साथ अटैक हुआ आतंकवादियों को, तो अब रात भर इधर लगे हैं एनकाउंटर में सर। अब ये अभी तो फोर्सेस पूरी चढ़ गई है इधर, NRR हमारे दशा में जो है तो वो भी चढ़ गए हैं, तो अभी कोई उनका कोई पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे हैं। वो है छुपे इधर ही, इसी एरिया में छुपे हैं, तो अभी क्लियर पता नहीं है कि मतलब कि इस एरिया में जो छुपे हैं अभी हमको भी पता नहीं है। जब तक उनका क्लियर पता ना लगे तो हम भी इधर से हटेंगे नहीं। हम चलो, ये हमारा तो एक दायित्व बनता है, क्योंकि हम VDG है तो हमारा दायित्व बनता है अपने देश को बचाने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम है, हम ये सरकार से यह कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से, कि हमारे पास तो एक तो ऑटोमेटिक हथियार नहीं है, क्योंकि वो अगर एक दोस्त मारेंगे 36 के 36 रून निकालेंगे तो हमारे पास एक रून निकलता है, क्योंकि ये है 1947 की गन हमारे पास 303 है। तो मेन प्रॉब्लम ये भी आ रही, फिर भी हम लड़ रहे हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो ये सरकार से हमारी निवेदन है के इसके बारे में अब सोचिए। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।